पटना के डाक बंगला चौराहे पर सातवें चरण के शिक्षक अभ्यर्थी पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में सैंडिस कंपाउंड से निकाला गया विरोध मार्च। 13 दिसंबर को पटना के डाक बंगला चौराहा पर सातवें चरण के शिक्षक अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में सैंडिस कंपाउंड से विरोध मार्च निकाला गया, जो स्टेशन चौक पर जाकर समाप्त हुआ। विरोध मार्च के दौरान शिक्षकों ने अपनी मांगों के समर्थन में जहां जमकर नारेबाजी की, वहीं सरकार और शिक्षा मंत्री के खिलाफ भी नारेबाजी की गई। प्रदर्शन कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना है कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन सरकार के निर्देश पर उन लोगों के साथ बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज कर सैकड़ों की संख्या में शिक्षकों को पीटा गया, जिससे कई शिक्षक अभ्यर्थी घायल हो गए हैं। इन लोगों का कहना है कि अगर सरकार 28 दिसंबर तक इनकी मांगों को नहीं मानती है तो प्रखंड स्तर से लेकर जिला स्तर तक आंदोलन किया जाएगा। वहीं शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, शिक्षा मंत्री का पुतला भी दहन किया गया। सर, आपने देखा होगा कि 13 दिसंबर को किस तरीके से पटना के डाक बंगले चौराहे पर शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे सातवें चरण के शिक्षक अभ्यर्थियों के ऊपर लाठी चार्ज किया गया, जिसमें हमारे बहुत सारे साथी घायल हो गए, बहुत सारे साथियों का हाथ पांव टूट गया है, बहुत सारे साथियों को अंदरूनी चोटें आई हैं और लगभग सैकड़ों साथी जो हैं अस्पताल में कहीं ना कहीं इलाजरत हैं। उन सभी अभ्यर्थियों के लिए, उन सभी के दुख दर्द में खड़े होने के लिए हम लोग कैंडल मार्च लेकर निकले हुए हैं। साथ ही सरकार को यह संदेश देना चाहते हैं कि सर, अगर आप सोच रहे हैं कि पटना के डाक बंगले चौराहे पर आपने हमें पीट कर हटा दिया और सातवें चरण के शिक्षक अभ्यर्थी शांत हो जाएंगे, तो इस गलतफहमी में आप मत रहिए। आप देख लीजिए कि किस तरीके से जिलावार हम सभी शिक्षकों ने इस तरीके से तेजस्वी यादव जी का, मुख्यमंत्री जी का और शिक्षा मंत्री जी का पुतला दहन कर ये आप लोगों को संदेश देने का हम लोग काम कर रहे हैं कि जल्द से जल्द अगर 25 दिसंबर के अंदर हम लोगों का नोटिफिकेशन नहीं आता है, हम लोगों का नियमावली नहीं आता है, तो आने वाले समय में 28 दिसंबर को हम लोग डाक बंगला 3 करेंगे। और अब जिले से लेकर पंचायत, प्रखंड, हर स्तर पर जहाँ भी हम लोगों को प्रदर्शन करना होगा, जहाँ भी ठगबंधन सरकार की नीतियों को बताना और गिनाना होगा, हम लोग पूरी मजबूती से गिनाएंगे। और बिहार के जितने भी युवा हैं, सिर्फ शिक्षक अभ्यर्थी ही नहीं, उन सभी युवाओं को भी बताने का हम लोग काम करेंगे कि यह जो सरकार है, जो 10 लाख पहली कलम पहली कैबिनेट से रोजगार देने का, सरकारी नौकरी देने का वादा करती है, वो बिल्कुल झूठ है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि हम जितने भी अभ्यर्थी यहाँ पर खड़े हैं वो सर्टिफिकेट होल्डर हैं, हम लोग सीटेट क्वालिफाइड, और जब हम ही लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, हम ही लोगों को पीटा जा रहा है, तो बिहार के जितने भी आने वाले न्यू जनरेशन के हमारे यूथ हैं, जो भविष्य हैं, जो अलग अलग प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं, क्या उन लोगों को नौकरी मिलेगी? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे साथी भी हैं सैकड़ों की संख्या में, जो कि अभी प्रतियोगी परीक्षा के, अलग अलग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारियों में लगे हैं, उन लोगों को भी रोजगार नहीं मिलने जा रहा है। इस बात को हम लोग अलग अलग जगह बताने का काम करेंगे। इसलिए सरकार से विनती है, निवेदन है, उस सरकार से हम लोग आक्रोश भी दर्ज कर रहे हैं कि आप 25 दिसंबर तक हम लोगों का नोटिफिकेशन दीजिए, नहीं तो आने वाले समय में हमारा आंदोलन और बड़ा होगा और विस्तार रूप लेगा। मेरा नाम मानस कुमार सिंह है, मैं भागलपुर जिले से हूँ। मेरे साथ कृष्णा सर है जो जिलाध्यक्ष है, इन्हीं के नेतृत्व में यह पूरा कार्यक्रम हो रहा है। और अभी हम लोग भागलपुर के ही चौक,